जर्जर स्कूल, बिना शिक्षकों के स्कूल और खुले आसमान के नीचे लग रहे स्कूलों की खबर तो आपने खूब देखी, लेकिन आज आपको दिखाते हैं एक ऐसा स्कूल जो कागजों में तो चल रहा है लेकिन हकीकत में वहाँ मवेशी बंधे हुए हैं। ये स्कूल मध्य प्रदेश के मुरैना में है। देखिए अजब एमपी का गजब स्कूल। कागजों में स्कूल, क्या प्रशासन गया है भूल? तीन साल हो गए मुरैना के नगर निगम की सीमा से सटे हर पुल के पूरा का ये प्राइमरी स्कूल इसी हालत में है। ताला खुला नहीं है, स्कूल के सामने भैंसे बंद रही हैं, किसी क्लास में भूसा रखा है तो किसी क्लास में गोबर के कंडे रखे हैं। स्कूल के छत का इस्तेमाल लकड़ियां रखने के लिए हो रहा है। रसोई घर और शौचालय की हालत दयनीय नजर आ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी खंडर में आ गए हो, जबकि ये स्कूल कागजों में न केवल चल रहा है बल्कि दौड़ भी रहा है। कैसे, तो जरा ये समझ लीजिए। दरअसल कागजों पर स्कूल में 35 बच्चे दर्ज हैं। कागजों में किताबें भी बट रही हैं, मिड डे मील भी दिया जा रहा है, लेकिन हकीकत में ये स्कूल बंद है। जब हम इस अनोखे स्कूल पहुंचे तो अजीबोगरीब स्थिति भी नजर आई। दो लोग पहुंचे जो खुद को अतिथि शिक्षक और प्राइमरी टीचर बता रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी नियुक्ति हो चुकी है लेकिन स्कूल में भैंसे बंधी होने के कारण वो स्कूल नहीं खोल पा रहे हैं। इसको लेकर ग्रामीणों से विवाद भी होने लगा। तुम आ रहे हैं, तुम जाने कहाँ पढ़ाते, जाने कहाँ रहते तुम? जब हमने ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने कहा कि कोरोना के लॉकडाउन में ये स्कूल बंद हुआ और तब से यहाँ कोई नहीं आया। गांव के बच्चे दूसरी जगहों पर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। कम से कम लॉकडाउन पे तो बंद है, एक भी दिन नहीं खुला। नो तो ये खादना तभी आए तीन मैडम फैडम तभी खादना वैसे ही खुल जाए, वो नहीं बंद है। तो बस एक भी दिन नहीं खुला, जुलाई से बिल्कुल भी नहीं खुला। इसमें अभी 24 बच्चे दर्ज हैं कागजों में। कागज में होंगे पर यहाँ कोई नहीं पढ़ता। कोरोना फैला लगा तब से मतलब बंद बंद पड़ा हुआ है। तब से कोई नहीं आता, क्यों नहीं आ पाता? अचानक क्यों ना आती? अच्छा कोई नहीं आता, तो बच्चे यहाँ के कहाँ पढ़ने जाते? मतलब ये गांव में पढ़ते हैं स्कूल, वैसे प्राइवेट पढ़ा रहे हैं वहाँ। यहाँ कब से बंद है स्कूल? तीन साल से बंद है। तो आप होना पढ़ने जाते हैं तो यहाँ तो 24 छात्र दर्ज हैं इस स्कूल में, लग रहा है कागजों में ये स्कूल का, वो 3 साल से खुला नहीं है। नहीं खुला है। सभी बच्चे कहाँ जाते पढ़ने? जब हमने कलेक्टर से बात की तो उन्होंने ऐसे किसी स्कूल की जानकारी होने से इनकार किया, हालांकि उन्होंने जांच की बात भी कही है। वर्तमान में जिस स्कूल की आप बात कर रहे हैं, शिक्षक किसी की भी वहाँ पे पदस्थापना नहीं है। तो अगर ऐसी आवश्यकता है कि बच्चों की मैपिंग निकट स्कूल में नहीं हुई है तो हम लोग रीडिप्लॉयमेंट के तहत भी कुछ टीचर्स को वहाँ पे अटैच। जांच करिए, जांच होनी भी चाहिए क्योंकि ये शिक्षा के नाम पर मजाक है। एक तरफ जहाँ कागजों में स्कूल चलाकर सरकार को चूना लगाया ही जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बच्चों का भविष्य भी दांव पर लगा है। विस्तार न्यूज के लिए मनोज उपाध्याय की रिपोर्ट।